हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आपने इस टाइप का हेयर स्टाइल वीडियो देखा होगा, फिर इस टाइप का फ़ोटो देखा होगा, तो आप सोचते रहते हो कि यार इस टाइप का हेयर स्टाइल कैसे किया जाता है। फाइनली अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो कुछ ही देर में आप भी अपने हेयर स्टाइल को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। हाँ जी मेरे भाइयों, मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कैसे इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया जाता है, कौन सी एप्लीकेशन से इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया जाता है, मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो पास में बेल आइकन है उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि यार आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कर लेते हैं यार वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपने जिस फोटो का हेयर स्टाइल करना है ना उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हो मैंने फोटो सेलेक्ट कर रखा है और देखते हो इसका हेयर स्टाइल कुछ ही टाइप से किया था, बहुत ही तगड़ा हेयर स्टाइल इन्हें लगता है, ठीक है। तो वो फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको सेंड वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। देखते हो सेंड वाला आइकन में क्लिक करने के बाद फोटो को सेंड कर देना होगा आपको। देखते हो मैं चिन्ह लगा दूँ ताकि आपको इस तरह समझ में आ जाए। स्केचबुक आटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर ऐप्स आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना स्केचबुक आटोडेस्क, ठीक है। तो इसके अंदर अपने फोटो को आपको शेयर कर लेना होगा। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, हमारा जो फोटो नो आ चुका है स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आ जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हो हेयर स्टाइल कुछ ही टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऊपर चले जाना होगा, यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे आप जैसे जाओगे ना तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरी में क्लिक कर देना होगा और अभी लाइब्रेरी ओपन है। जैसे आप लाइब्रेरी में क्लिक करोगे ना मेरे भाइयों, आपके सामने बहुत सारे ब्रश आ जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे इसको पहले तो आप ऊपर आ जाना होगा। तो ऊपर आ जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा, ठीक है। नीचे आओगे ना आप जैसे, तो आपके सामने बहुत सारे ब्रश आएंगे। तो मैं जहाँ पर आपको बताऊँगा ना वहाँ पर आपको रुक जाना होगा, ठीक है। तो आपके सामने इस टाइप के ब्रश देखने मिल जाएंगे, ये देखते हो इस टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना होगा। देखते हो इस वाले ब्रश को, ठीक है। इस ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद देखते हो हेयर नाम है ब्रश का, ठीक है। तो हेयर वाला ब्रश सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक कर देना होगा। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको स्मूथ सेलेक्ट कर लेना होगा। स्मूथ आप जैसे सेलेक्ट करोगे आपके सामने यहाँ पर तीन लाइन आ जाएगी। तो तीनों लाइन को कुछ ही टाइप से रख लेना होगा, देखते हो इस टाइप से आपको रख लेना होगा, ठीक है। रखने के बाद सीधा नीचे कट कर देना होगा, कट करने के बाद जूम कर लेना होगा और अपने हेयर को कुछ ही टाइप से आपको कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखते हो स्क्रीन में, ठीक है, इस टाइप से अपने हेयर को आपको कर लेना होगा। देख सो हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल देख सकते हो कितना प्यारा हमारे जो हेयर स्टाइल होने स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइप से अपने हेयर को आपको कर लेना होगा, जितना आप बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हो। तो इसी टाइप से अपने हेयर को आप कर लेना होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट देखते हो कितना प्यारा हमारा जो हेयर है ना वो होना स्टार्ट हो गया। तो आपको इस टाइप से अपने हेयर को कर लेना होगा, देखते हो, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस टाइप से, और आप नीचे की तरफ आप हेयर को करना चाहते हो तो इस टाइप से आप अपने हेयर को कर लेना, देखते हो यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से आपको कर लेना होगा, देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से अपने हेयर को आपको कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो मैं फिर से यहाँ पर कर लेता हूँ, आपको इस टाइप से अपने हेयर को कर लेना। तो यहाँ पर देखते हो रिजल्ट कितना हमारा जो प्यारा हेयर स्टाइल हो चुका है। तो इस टाइप से अपने हेयर को आप एडिट कर सकते हो मेरे भाइयों। मैंने आपको ब्रश बता दिया कि कौन से ब्रश से हेयर स्टाइल किया जाता है, तो इसी ब्रश से हेयर स्टाइल को किया जाता है। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आगे भी आपको इस टाइप की एडिटिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो पास में बेल आइकन उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर देना। मिलते कैसी कमाल की वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय मेरे प्यारे से दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।